हम अन्नदाता को ऊर्जादाता भी बनाना चाहते हैं। साथियों, इसलिए हमारी सरकार ने शॉर्टकट के बजाय लंबा और कठिन रास्ता चुना है। किसानों की मूल समस्याओं को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। किसानों पर ऋण का भार भी है और लागत भी निरंतर बढ़ रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतने ही बड़े और ईमानदार हमारे प्रयास हैं। कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये आगे भी जारी रहेगी। साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साधन जुटा सके, इसके लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं।